गुरु, ये वो शख्सियत है जो आपको अपने अस्तित्व से मिलाता है। एक ऐसा शब्द है जो सतयुग, द्वापर, त्रेता और आज कलयुग में भी बहुत ही प्रचलित है। गुरु का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपको आपकी जिंदगी में उजाले की तरफ ले जाए, जो आपको नैतिक और सभ्य जिंदगी जीने का विचार दे, जो बताए कि हम सही या गलत नहीं है बल्कि सही और गलत को जानने वाले हैं। और वैसे भी सही मायने में गुरु की मौजूदगी का किसी युग से नाता नहीं है कोई, क्योंकि कलयुग में जिस युग को सारे युगों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रदूषित माना गया है, उस युग में भी एक ऐसे गुरु का जन्म हुआ जिनको न जाने इस दुनिया के कितने ही लोग सुनना और समझना चाहते हैं, जिनकी सीख ने एक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित किया और उनके शरीर त्यागने के बाद भी लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास होने लगा। और भगवान और गुरु का कोई नाम नहीं होता, सबका मालिक एक, इन्होंने इन दोनों बातों का जीता जागता प्रमाण दिया। इसीलिए लोग आज भी इनकी पूजा करते हैं और जय गुरु जी के नाम से इनका जयकारा लगाते हैं। 1954 यानी 1954 में पंजाब के एक साधारण परिवार में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसको आगे जाकर स्वयं महादेव का अवतार माना जाएगा, ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं था। उनका परिवार और उस गांव के लोग, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा आगे जाकर पूरे विश्व में लाखों लोगों को जीवन जीने के तरीके सिखाएगा। और जानी मानी हस्तियां जैसे ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, अनन्या पांडे और जैकलिन फर्नांडिस जैसे लोग भी इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। सिर्फ शांति, स्नेह और शुक्र के संदेश से निर्मल सिंह महाराज शुक्राना गुरुजी बन जाएंगे, ये किसी को कहां पता था। शुक्राना गुरुजी। जिनको डुगरी वाले गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, और यह माना जाता है कि गुरुजी में हमेशा से कोई दिव्य ऊर्जा मौजूद थी, एक ऐसी ऊर्जा जो लोगों का दुख सिर्फ समझती ही नहीं बल्कि उसे खत्म कर देने की शक्तियां भी रखती थी। कंप्लीट नॉन, ऐसा लगा कि किसी ने बहुत प्यारा सर पर हाथ रखा है, देख लो आप जो भी हो। एंड ऑन 7th of April 2014 आई हैड ऑल द मनी इन 7 days। 1975 में काम की तलाश में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 1983 के आसपास उन्होंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में एज अ क्लेरिकल असिस्टेंट काम किया था। अपनी लगभग पूरी जिंदगी मेडिटेशन को डेडिकेट करने के साथ साथ उन्होंने काफी कम उम्र से ही लोगों की जिंदगी में एक आशीर्वाद की दृष्टि बनानी शुरू कर दी थी। अगर गुरुजी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखी बातें मानी जाएं, तो उन्होंने 8 साल की उम्र तक अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। पहले उनके पिताजी को लगता था कि ये भगवान बनने का ढोंग कर रहे हैं, ये भगवान जैसा दिखने का ढोंग कर रहे हैं, पर उनकी ये विचारधारा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई क्योंकि उनके अंदर मौजूद वो ऊर्जा उन्हें अपने आसपास वाले सभी लोगों से अलग कर देती थी। शुरुआती दिनों में जब गुरुजी अपने घर वालों के साथ डुगरी रहा करते थे, तो वो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ समय बिताते थे और हर किसी की परेशानी में, उनके मुश्किल वक्त में उन्हें साहस, भरोसा और शुक्राना सिखाते थे। और ये कोई उपदेश नहीं थे, बस जीने का एक तरीका था। गुरुजी ने भी अपनी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से पूरी की थी। फिर उन्होंने मलेरकोटला में स्थित एक कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन खत्म किया और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में डबल एमए हासिल की। और कहा जाता है उनकी जिंदगी बहुत ही दिव्य थी और दिव्य कामों के लिए ही बनी थी, ये शायद वो समझ चुके थे। और तभी उन्होंने अपनी जिंदगी अपने काम और लोगों की सेवा करने में समर्पित कर दी। 27 सालों से लोग हर साल गुरुजी के जन्मदिन के दिन उनके घर जाकर उनसे आशीर्वाद लेते थे, पर 2023 में उनके घर जाकर उन्हें नमन कर पाने पे एक सूट फाइल कर दिया गया। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि गुरुजी का मानव देह तो नहीं रहा पर उनकी मौजूदगी है। इनका इन्फ्लुएंस अपने भक्तों पर इतना है कि इनके जन्मदिन पे लोगों ने इनसे मिलने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर दी कि वो इनके जन्मदिन पे इनके घर जाकर इनके दर्शन कर पाए। जस्टिस रेखा पल्ली ने पूरी कार्यवाही के बाद 500 लोगों को गुरुजी के घर जाकर उन्हें नमन करने की अनुमति दी। इस तरह का किस्सा अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है उस छाप का जो उन्होंने इस समाज पे छोड़ दी। चाहे गुरुजी का जीवन कितना भी दिव्य हो,
उनका संदेश बहुत ही सीधा था। गुरुजी ने कभी भी किसी धर्म विशेष, किसी रिवाज पे जोर नहीं दिया। उन्होंने हर एक भक्त को अपने विश्वास पर कायम रहने को कहा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम या क्रिश्चियन हो। गुरुजी हमेशा कहते थे, सबका मालिक एक। गुरुजी के प्रभावशाली जीवन से जुड़ी हजारों कहानियां हैं। एक कहानी गुरुजी के भक्तों में बहुत प्रचलित है। एक व्यक्ति जिसको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी, उसके जीवन की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और इलाज का कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा था। यहां तक कि डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि इसके अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके परिवार और दोस्तों में व्यक्ति के जीवन को लेकर एक निराशा हो गई थी, लेकिन उस परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी के भक्त थे और उन्होंने उस व्यक्ति को गुरुजी के पास ले जाने का फैसला किया। और गुरुजी के पास पहुंचते ही बिना कोई सवाल किए गुरुजी ने बस एक ही बात कही, शुक्राना करो। परिवार को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन गुरुजी पर अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने गुरुजी का शुक्राना करना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद जब व्यक्ति अपनी अगली मेडिकल रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। कैंसर बिल्कुल गायब हो चुका था, जैसे कभी उसका वजूद ही नहीं था। ये डॉक्टर्स और डॉक्टर के पढ़े हुए विज्ञान को भौचक्का कर देने वाली बात थी, लेकिन गुरुजी के लिए ये एक आम बात थी। गुरुजी के भक्तों के बीच प्रचलित चमत्कारों की कहानियों में एक और कहानी है, एक व्यक्ति की जो एक भारी कार एक्सीडेंट में शामिल था, जिसमें उसका बचना लगभग नामुमकिन था। उसने भी गुरुजी के चमत्कार का अनुभव किया। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर ये व्यक्ति बच भी गया तो कभी आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर नहीं कर पाएगा। परिवार और दोस्त सब घबराए हुए थे, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद थी, गुरुजी का विश्वास। परिवार ने गुरुजी का नाम लेकर उनका शुक्राना किया और अपने भाग्य को उनके हाथों में छोड़ दिया। और जब उन्होंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो गुरुजी ने अपनी सहेली मुस्कान के साथ बस इतना कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लोगों को लगा कि ये तो बस तसल्ली देने के लिए कह दिया गया, लेकिन गुरुजी की बात में एक अजीब सा विश्वास था जो परिवार के दिल में घूमने लगा। और कुछ दिन बाद उस व्यक्ति ने आंखें खोली और धीरे धीरे उसके सारे जख्म भरने लगे। डॉक्टर्स जो पहले उसकी जिंदगी को लेकर निराश थे, अब उनके लिए भी ये एक मेडिकल मिरेकल था। वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ गया। और गुरु जी का चमत्कार सभी के आंखों के सामने था। लोग कहते हैं कि जब वे गुरु जी के आसपास होते थे तो उनके मन में छुपी हर परेशानी, हर डर उनका हाथ पकड़कर चला जाता था। गुरुजी ने 90 के दशक में छतरपुर के भट्टी माइंस में एक बड़ा मंदिर बनवाया जो शंकर भगवान को समर्पित है, और आज उस मंदिर में गुरुजी की समाधि भी है। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ली, और माना जाता है कि आज भी जहां जहां उनका सत्संग होता है उस जगह की चाय और उस प्रसाद में उनकी एक असीम कृपा होती है। हमें शुक्राना गुरुजी के बारे में जानकर और पढ़कर बहुत अच्छा लगा, और भक्ति का ये नजरिया और लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ धर्म की नहीं है, सोच की भी है। पर क्या आपको पता है कि जिस धरती पर शुक्राना गुरुजी जैसे एक गुरु का जन्म हुआ, उस धरती पे ही एक देवता के पास रहने के लिए घर नहीं था। पूरी स्टोरी जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करिए। जय महाकाल।